एम्प्रेस मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, टावर 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 टावर। यहूदियों का इलाका जिसको कहते हैं जूइश क्वार्टर। हेलो दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ आपको एक और दिन के अंदर। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग जिसको कहते हैं कि एक हिडन प्लेस है, वहाँ पर लेकर जाना चाहूँगा, जो कि यहूदियों का इलाका है जिसको कहते हैं जूइश क्वार्टर। बुखारेस्ट में जो भी आता है वो उस एरिया में अमूमन नहीं जाता है, क्योंकि वो जाते हैं कुछ और मुकामात पे, ओल्ड एरियाज़ पर, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके वापस। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहूदियों की जो इबादत गाह है उसको कहते हैं सिनेगॉग, वहाँ पर लेकर जाऊंगा, और जो इनकी बाकियात हैं मौजूद वो दिखाऊंगा, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के अंदर कम्युनिस्ट ने इनको मिटा दिया था, इनकी बहुत सारी इबादत गाह को। अगर 18वीं से 19वीं सदी की बात करें तो यहाँ पर इनकी 7 इबादत गाहें होती थी, 7 सिनेगॉग होते थे, जिसमें से अभी जो कि एक्टिव हैं वो 3 हैं, जिसमें इनकी प्रेइंग हाउस और टेंपल वगैरह भी हैं। तो आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 18वीं सदी के अंदर, तो उस वक्त यहाँ के जो इनके रबी थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस सरगर्मी के अंदर। तो लेकर चलता हूँ आपको उस जगह पर जहाँ पर इनका थिएटर भी है, जो जूश थिएटर है, जूश का इलाका है। तो आपको दिखाते हैं जितनी बाकियात मौजूद हैं जो पुराने हालात के अंदर, वो दिखाते हैं, क्योंकि मैंने भी आज से पहले कभी सिनेगॉग के अंदर विज़िट नहीं किया। कोशिश करूँगा अंदर ले जाने के लिए, वरना बाहर से आपको उसकी खूबसूरत वीडियोस दिखाता हूं, और आपको दिखाता हूं कि यहूदियों के इलाके किस तरह के हुआ करते थे और किस तरह के अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जूइश क्वार्टर के अंदर, और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये कहलाती है जूइश थिएटर। तो यहां पर अर्लीज़ के अंदर, यानी कि अर्लीज़ 90s के अंदर थिएटर हुआ करते थे, बाकायदा इनके ड्रामा और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट बुक्स वगैरह उस हवाले से यहां पर पूरी सीरीज़ होती थी, तो जिसमें अभी भी एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है। कुछ पुरानी सीरीज़ इनकी हैं, लेकिन अभी ये बंद है। आई डोंट नो क्यों बंद है, हो सकता है कि इसका कोई मखसूस टाइम हो, हम अर्ली इन द मॉर्निंग आए हैं। ये दोस्तों लाइन ऑफ जेरूसलम के नाम से है, ये बहुत यहूदियों की एक यादगार जगह है, जिसमें देखें इनका साइन भी बना हुआ है। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जूइश क्वार्टर के अंदर, जो कि यहूदियों का क्वार्टर है यहाँ पर, और ये बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री है। अमूमन 300 से 400 साल पुरानी यहाँ पर आकर बसे थे, और तब से कायम है। अभी तक यहाँ पर 3,500 जूइश अवेलेबल हैं इस एरिया में, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ये इनका सबसे बड़ा ग्रेट सिनेगॉग है, जिसको जो पहले एक म्यूज़ियम में तब्दील हुआ था, जिसको कहते हैं होलोकास्ट म्यूज़ियम, जो अवेलेबल है गूगल पर भी, मैंने आपको दिखाया। तो लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है ये, इसके गेट वगैरह बंद हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, किसी वजूहत पे बंद होंगे। तो ये तमाम विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं इनके जूइश क्वार्टर के। तो चलिए चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और अब हम जाते हैं टुवर्ड्स रशियन चर्च, जो कि है बड़ा फेमस, बहुत खूबसूरत है। हम उसको जाकर चेक करते हैं, उसको जाकर देखते हैं। इस वक्त तकरीबन 12:30 हुए हैं, और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यार बुखारेस्ट तो पूरा ऐसा बना हुआ है जैसे कि पुराना कराची। अगर कराची से कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा, जैसे कि बंस रोड आपका हो गया, ली मार्केट, ठीक है, और इसके अलावा हो गया आपका फेमस हम लोगों का वो है अब्दुल्ला हारून रोड वाली जो स्ट्रीट है पूरी, उस पर इसी तरह की ट्रैम्स चलती हैं सारी, पहले चला करती थी 70s में। पूरा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओल्ड कराची, बिल्कुल आई चुंदीगढ़ रोड वाली फीलिंग आ रही है, ऐसी सारी वाइब्स आ रही हैं कि फील कर रहा हूँ कि 70s के दौर में अगर हम लोग होते तो शायद कराची इसी तरह का होता। लेकिन खैर क्या करें, हमने बर्बाद कर दिया अपने कराची को, बल्कि कराची के पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि मेंटेनेंस हमारे यहाँ नहीं है। मेंटेनेंस के अलावा हम खुद एज अ सिटीजन भी अपना फ़र्ज अदा नहीं करते, जो कि चाहिए हमें चेंज करें अपनी मेंटालिटी को। एक मैसेज है मेरी तरफ से सबके लिए कि हमें शुरुआत कहीं से तो करनी है, अपने मुल्क को संवारने के लिए, अपने मुल्क को बनाने के लिए, ताकि हमारे मुल्क की टूरिज़्म भी बढ़े, जिस तरह से यहाँ पर है लोग आते हैं, स्पेंड करते हैं अपना टाइम, जिससे इकॉनमी भी बूस्ट होती है, हम पैसे खर्च करते हैं। आई विश के अल्लाह हमारे पाकिस्तान को भी इसी तरह का मजबूत, इकोनॉमिकल मजबूत बनाए, एजुकेशन में भी मजबूत करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, हमें बर्दाश्त अता फरमाए, और हम भी एक दिन इसी तरह दुनिया की बड़ी स्टेट में से एक स्टेट बन जाए। मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, टावर 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 टावर।
दोस्तों ये है रशियन चर्च, जो कि इसका नाम है सेंट निकोला चर्च के नाम से भी है। अच्छा, इस तरह के चर्च आपने मेरे रशियन व्लॉग की सीरीज़ के अंदर देखे होंगे कि रशियन जब भी चर्च बनाते थे इस तरह के आर्किटेक्ट रखते थे, उसका कलरफुल और एक थीम डिफरेंट होती थी। तो आप मेरे रशियन व्लॉग मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा है इसमें। और जो है क्रिसमस की वजह से लोगों का आना जाता बना हुआ है, लोगों का एक आ रहा है एक जा रहा है, और बड़ा खूबसूरत और ठंड है और खूबसूरत इन्वायरमेंट बना हुआ है यहाँ का। ओ भाई साहब, यूरोप में भी एहतजाज होता है, बट पीसफुल एहतजाज है। एक तरफ खड़े अपने झंडे अपने स्पीकर सब चीज़ें लेकर, यार सीखो इनसे यार, अपना मैसेज कन्वे करवा रहे हैं और पीसफुल तरीके से करवा रहे हैं यार। वाओ, किस्मी गार्डन, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अंदर अभी फ़िलहाल आइस स्केटिंग हो रही है, और इसके अलावा जो पेडल्स होते हैं वो है, स्मॉल बोट्स हैं, वो इन्होंने एक लेक बनाई हुई है उसके अंदर, ये एक्टिविटीज़ हैं। और ड्रिंक्स के लिए हैं, बारबेक्यू के लिए है, स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं, और साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, अपने पैट्स को लेकर आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, और ऊपर से लाइट म्यूज़िक भी है पूरे गार्डन के अंदर, जो एक बहुत डिफरेंट चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है। जितने भी कंट्रीज थे उस वक्त उसके अंडर में, वहाँ पर दो तीन चीज़ें मैंने नोट की हैं। एक चीज़, शहर के बीचों बीच पार्क्स होते हैं और बाकायदा ऐसे जैसे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, नंबर वन, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जो बुखारेस्ट है इसका भी जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरा सोवियत यूनियन रशियन मेड के ऊपर बना है। और तीसरी चीज़ ये कि मजहब आज़ादी, वो मैंने देखा है कि यहाँ पर बुखारेस्ट के अंदर सिनेगॉन भी हैं जूइश के लिए, और क्रिश्चियंस के लिए चर्चेस अवेलेबल हैं, और मुस्लिम के लिए मस्जिद मॉस्क भी अवेलेबल हैं। तो ये बहुत अच्छी फ्रीडम यहाँ पर है, और इतना सुकून है यहाँ पर, कोई किसी को कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। अपना इंजॉय करो, आओ बैठो, और क्या खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, ज़बरदस्त। यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट वाइब्स बुखारेस्ट के अंदर है, ये वाकई में एक हिडन जैम है, अनएक्सप्लोर सिटी है ये, इस पर आना चाहिए लोगों को। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बुखारेस्ट को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूरोप की डेस्टिनेशन है, जिसमें आपको हर तरह का फ़न, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, और सस्ती। यहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़रा एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ा सा कम है, जिस वजह से यहाँ पर आपको होटल एकोमोडेशन बहुत सस्ती में मिल जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत खाने का ये है कि वो एक्सपेंसिव है, लेकिन वो मैनेजेबल हो जाता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट देखी जाती है वो अच्छी है, वो सस्ती है, आप फ्लाइट वगैरह ले सकते हैं सस्ती। इसके अलावा होटल अकोमोडेशन सस्ती है, और यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो मेट्रो और बसेस वगैरह हैं, वो बहुत चीप है, बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि रशिया से भी सस्ती यहाँ पर है। तो ये एक बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है, अपनी वेटिंग लिस्ट में ज़रूर इसको रखिएगा। इस एरिया के अंदर तो हर चीज़ हलाल अवेलेबल।